चंडीगढ़ औद्योगिक क्षेत्र फेज वन गौशाला में एक बछड़े की मौत हो गई है। इस बछड़े की मौत को नगर निगम में गौशालाओं के इंचार्ज डॉक्टर कंबोज का कहना है कि बछड़ा स्टिल बोर्न ही मृतक पैदा हुआ है, जबकि गौशाला में आने वाले सेवादारों का कहना है कि बछड़े की मौत ज्यादा दूध पीने से हुई है। जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र एक स्थित एक करीब दर्जन गायें हैं जिनके गले में हरे रंग की रस्सी बांध रखी है। ये गायें दूध देती हैं। इन गायों से निकलने वाले दूध को लेकर सेवादारों का तर्क है कि जो गाय से दूध निकलता है उसे बेचा जाए और दूध बेचे जाने के बाद जो राशि आए उसे गौशाला के विकास में लगाया जाए, जबकि डॉक्टर कंबोज का कहना है कि जितना दूध गायें पैदा करती है वो उनके बछड़ों को ही पिलाया जाए। अब सवाल पैदा होता है जिस बछड़े की मौत हुई है वह ज़्यादा दूध पीने के कारण हुई है या स्टिल बोर्न ही मृत पैदा हुआ है। ज्ञात रहे पिछले दिनों भी अर्थ प्रकाश ने गौशाला की दुर्दशा को लेकर दर्शकों और प्रशासन को जागरूक किया था, जिसके बाद नगर निगम ने कुछ प्रस्ताव पारित कर इसमें सुधार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चलिए अब आपको वीडियो में दिखाते हैं पूरा मामला कि वहां मौजूद सेवादार क्या कह रहे हैं और मृतक बछड़े की सच्चाई क्या है। ये देखो जी, फेस वन में गौशाला है और दानी सज्जनों के सहयोग से 11 गायें दूध देने वाली हो गई। ये देखो जी, इनके प्रशासन ने कहने पर इनके गले में रस्सी डाल दी गई है। अब इनसे पूछने वाला हो भी ये रस्सी क्यों डाली गई, किस पर्पज़ के लिए डाली गई है, और जो दानी सज्जन है वो दूध निकालते हैं और इनको दूध निकालने में दिक्कत हो रही है, तो इन्होंने क्या किया, सुबह बछड़े छोड़ दिए गऊओं के पास और ये देखो बछड़ों ने दूध पी लिया बहुत ज़्यादा। अब इनकी हालत देखो बछड़ों की, इनके दस्त लग गए हैं। ये देखिए, ये 11 गऊएं हैं दूध देने वाली और प्रशासन के कहने पर इनके गले में, सबके गले में रस्सी बांधी गई। क्यों बांधी गई, इसके पीछे क्या राज है, ऐसी क्या बात है, और इन्होंने जो बछड़े छोड़े हैं सुबह, इन्होंने किसके कहने पर छोड़े हैं बछड़े, अगर ये मर गए तो कौन जिम्मेदार है। इनको और लोडी दूध पिलाया गया, इनकी हालत बहुत ख़राब है, इनको दस्त लगा हुआ है। कल को इन बछड़ों में कुछ हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक खेल है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है। तो मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप सभी दानी सज्जनों को, तो कृपया करके इस पर राय दें और अपनी, और प्रशासन हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है, हमें दूध निकालने नहीं दिया जा रहा है, जबकि गायें 11 गायें हैं और ये 30-35 किलो दूध डेली देती हैं, और जबकि ज्वाइंट कमिश्नर साहब ने भी ये बोल दिया भी कोई बात नहीं, आप इनके MC की पर्ची काटो और दूध बेचो, और कोई ऐसी बात नहीं, जो भी खर्चा होता है जो भी इनकम होती है इन गायों पर लगा दो। और नीचे जो बंदे हैं ऑफिसर हैं, इन्होंने उल्टा काम कर दिया, इन्होंने कहा भी दूध निकालना ही देना नहीं निकालने देना, तो बछड़े ने सुबह सुबह छोड़ दिए और बछड़ों ने दूध पी लिया सारा, और ये बछड़े अब दस्त लग रहे हैं इनको, इनकी हालत बहुत ख़राब है। तो कृपया करके सभी दानी सज्जन इस पर अपनी राय दें, आगे क्या कार्रवाई की जाए, हमने ऐसे होने नहीं देना। धन्यवाद। हेलो, हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, जो ये बछड़े की मृत्यु हुई है गौशाला में, हेलो, कब हुई है, कब हुई है सर? ये हमारे पास फोटोज भी आई हुई हैं और वीडियो भी आई हुई है, और ये बताया जा रहा है कि ये फेज वन इंडस्ट्रियल एरिया गौशाला की है, बछड़े की मृत्यु वहाँ पे हुई है। मैच्योर है वो, 3-4 दिन पहले कोई गाय ने बछड़ा गिराया था। अच्छा सर, स्टिल बोर्न डेथ थी, वो स्टिल बोर्न डेथ थी, वैसे तो कोई नहीं हुई। अच्छा, स्टिल बोर्न है। अच्छा, लेकिन सर वहाँ पे जो सेवादार हैं वो बता रहे थे कि कहते जी ज्यादा दूध पिलाया गया, कहते जी ये इस वजह से दस्त लगे हुए हैं बछड़ों को, या इस वजह से ज्यादा दूध, ज्यादा दूध देने वाली गायें हैं नहीं है, थोड़ा बहुत दूध निकलता है बच्चा जिसने दे दिया। हाँ जी, तो वो बच्चे के लिए ही होता है, माँ दूध कोई और किसी के लिए थोड़ी पिलाती है, ये तो हम स्वार्थी हैं अपने मतलब के लिए दूध निकालते हैं गायों का। हाँ, और यहाँ तो कोई गौशाला तो है नहीं है, तो कैटल पॉन्ड है, जो हमारा पशु पकड़े हुए हैं, कोई गब्बन हो गई बच्चा दे दिया तो उसके बाद उसका ही हक बनता है ना बच्चे का दूध पीना। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि उसके पीने से वो ज्यादा पी लेगा, जितना गुंजाइश होती है उतना ही पीता है बच्चा। हाँ जी, ठीक है, जब नहीं तो छोड़ देगा, जब उसको भूख लगेगी 1-2 घंटे बाद फिर पी लेगा। जी ठीक है,
वो उनकी कोशिश ये थी कि वो जो है उसको अलग बांध दो। वो तो फिर जो ये दूध बेचने वाले हैं वो काम करते हैं, ये तो बच्चे हाँ जी को ठीक अलग है बांध कर उसको दूध निकाल लो, ठीक तो है। वो मकसद नहीं है ना हमारा, ताकि हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो बच्चे ने तो चारा खाना नहीं है, हाँ जी हाँ जी ठीक है उसने दूध पे अपना जीवन पालना जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। जी। डॉक्टर साहब, तो ये जो आप 2-3 दिन कह रहे हो कि बच्चा मच्योर हुआ था पैदा और उसके बाद मर गया वो, 4 दिन पहले, 3-4 दिन पुरानी बात है। अच्छा, तो ये क्या क्या हुआ कि गाय को कुछ मतलब प्रॉब्लम थी इस बारे में? देखिए हमारे पास इतने पशु हैं, हाँ जी हाँ जी 12 हेलो 13 पशु हैं हाँ हमारे जी पास। हाँ जी ठीक हाँ है जी, तो जी ठीक है उसको क्या हुआ, स्टिल बॉर्न को प्रेग्नेंट है उसका, तो जब बच्चा गिरा उसी के बाद पता लगा ना कि ये प्री मेच्योर हो गया वो। ठीक है ठीक है हाँ जी जी। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद डॉक्टर साहब जानकारी देने के लिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।